Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Brijbhan, Assistant Professor of Botany. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स पे आपको इकोलॉजी के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कुछ वीडियो अवेलेबल कराए हैं. आज हम लोग बात करेंगे बेसिक बॉटनी में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं फंजाई. जैसा कि आपको पता है कि आज अभी जो आपके सामने जो लोग TGT PhD की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग GIC की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग UP में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है जूलॉजी और बॉटनी बेसिक साइंसेज में, उनकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज द फंजाई इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर ऑलवेज कमिंग द लोअर बॉटनी सेक्शंस. अगर लोअर बॉटनी की बात करें तो वहाँ के क्वेश्चंस, अगर आप बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या आप TGT PhD में देखें, तो लोअर बॉटनी और लोअर जूलॉजी सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है. तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है लोअर बॉटनी में एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो के बारे में लेक्चर्स मेरे अवेलेबल रहेंगे. और आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंजाई, क्योंकि आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है. अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियो के लिए. और जो लोग तैयारी कर रहे हैं TGT PhD GIC नीट की तैयारी के लिए हैं, उनके लिए आज का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंजाई मैं आज जनरल इंट्रोडक्शन से लेके आया हूँ और आगे एक एक करके एक एक जनरल मैं स्टडी करा आपको वीडियो अवेलेबल कराऊँगा. और लास्ट में आप देखेंगे क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे फंजाई के ऊपर. तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है. फॉर द बिगिनर्स, दोज हु डोंट नो अबाउट टू द व्हाट इज द फंजाई एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई एंड हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फंजाई, ऑल दिस एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर ऑलवेज कमिंग. तो आपको इस सेक्शंस में पढ़ाई करनी है. तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किया गया है TGT PhD जो तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी हायर एजुकेशन से आई हुई वैकेंसी है, उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया है और वो बैच आज से ही स्टार्ट किया गया है. तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है. और अभी यूट्यूब पर चैनल्स फ्री है, आप सभी देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. और मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स टॉक अबाउट द फंजाई. जैसे कि हम बात करते हैं फंजाई के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे डिटेल से फंजाई क्या है, कैसे वर्क करता रहता है. अगर आप देखें तो मैंने आपको देखिए, ये आपका CSIR पॉइंट अकेडमी का यूट्यूब चैनल है और इसके ऐप्स को डाउनलोड कर ले आप लोग, जो भी अगर फर्दर वीडियो चाहते हैं तो डाउनलोड आप कर लेंगे CSIR पॉइंट लाइफ साइंस का ऐप को डाउनलोड्स कर लें. और साथ साथ जो बैच स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत सारी फैकल्टी है जो आपको बताएंगी और सभी लोग बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जिनमें आप देखेंगे डॉक्टर ब्रिजभान, डॉक्टर संजेश, डॉक्टर रविकांत, मिस्टर अंकित मिश्रा और मिस दिव्या मैम. ये लोग आपको अलग अलग ब्रांच में पढ़ाएंगे. तो और जिस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. और आज हम लोग बात करेंगे पहले सेक्शंस की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की, नीट की, GIC TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप देखें तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस आता रहता है. और इवन ये बेसिक साइंस से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते रहते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा. अगर देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंजाई के इंट्रोडक्शन से ही 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे जिस एग्जाम के पीछे. इवन CSIR में क्वेश्चन आता रहता है, एक क्वेश्चन आपके सेक्शन से ज़रूर आता रहता है, लोअर जूलॉजी बॉटनिक सेक्शन से. वैसे ही TGT PhD नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज द फंजाई. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइकोलॉजी से कि गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. देखिए आप लोग, तो आज मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे माइकोलॉजी. व्हाट इज द माइकोलॉजी. तो माइको मीन्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, द वर्ड इन लैटिन माइकस मीन्स होता है फंगस. माइकस मीन्स होता है फंगस और लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी.
इसका मतलब माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगस. माइकस मीन्स क्या होता है? फंगस. और लॉगस मीन्स होता है स्टडी. तो इस तरह से दे सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई दैट इज नोन एज द माइकोलॉजी. तो ये क्वेश्चन आपके टीएचटी पीएचटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि माइकोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो तो अंडर द सेक्शन ऑफ माइकोलॉजी वी स्टडी अबाउट द फंजाई. तो आप देखेंगे द इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द फंजाई डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, उसे कहेंगे माइकोलॉजी. तो एक क्वेश्चन आपके लिए यही निकल के सामने आ गया कि माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन था. इसी तरह से फाइकोलॉजी का नाम सुना होगा. फाइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का अध्ययन करते रहते हैं. तो अभी हम बात करेंगे, देखिए टर्म्स फंगस. तो आप देखेंगे जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बेसिक क्वेश्चन आता रहता है. इसलिए उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही डिसाइडिंग है. जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, चाहे वो हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे इवन सीएसआईआर लेवल का एग्जाम हो, तो सभी एग्जामों में बेसिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं. और ये सीरीज उनके लिए स्टार्ट की गई है जो बच्चे नीट टीजीटी पीजीटी और जीआईसी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं जो लोअर बॉटनी लोअर जूलॉजी पे रहेंगे और एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी इकोलॉजी और जेंटिस के लिए. तो यूट्यूब लाइव पे हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है जिसमें आपको अवेलेबल रहेंगे. अभी देखेंगे तो टर्म फंगस वॉज गिवन बाय द गॉस्पर गॉस्पर मोहिन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले फंगस टर्म को किसने दिया था? ये भी आपके क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट निकल के आ गया. 1560 से 1564 के बीच में दिया है गॉस्पर मोहिन फर्स्ट टाइम हैज गिवन द टर्म फंगस. तो ये भी आपके एग्जाम के लिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. इस तरह से देखेंगे अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंजाई. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है. कि बेसिकली जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में डिस्कवरी डिफिनेशन ब्रांच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई न्यूट्रिशन इन फंजाई, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है. और लास्ट में डिजीज इन द फंजाई, तो इनसे क्वेश्चन बहुत रहता है. तो एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं और मैं इसमें कई पार्ट में वीडियो बनाऊंगा. और ये लेक्चर पहला है इसमें जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. लिखा है डिस्कवरी ऑफ फंजाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे. देखिए अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि द फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी. सिस्टमेटिक माइकोलॉजी एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. द फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी ई एम फ्राइस जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी. तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि सिस्टमेटिक माइकोलॉजी का फादर कौन है. तो याद रखिएगा एम फ्राइस. ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही डिसाइडिंग होगा. फिर लिखा गया 1794 से 1878 तक ही रोट सिस्टेमा माइकोलॉजिकम इन थ्री वॉल्यूम. बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम क्या है? सिस्टेमा माइकोलॉजिकम. थ्री वॉल्यूम में ये बुक पब्लिश हुई है और ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टेमा माइकोलॉजिकम बुक को किसने लिखा है. तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? ई एम फ्राइस. आप देखेंगे और इन्होंने कहा गया सिस्टमेटिक माइकोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं. तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, बगल में देखिए बने हुए हैं. अगला है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं ना, टीजीटी पीजीटी और अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत रहता है जो आसानी से बुक में आपको अवेलेबल नहीं रहता है. जो बेसिक्स बुक्स होती हैं, बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, वहीं पे मैटर आपको अवेलेबल रहते हैं. नहीं तो जनरल इंट्रोडक्शन में वो क्या करता है? फंजाई की परिभाषा देते हुए आगे बढ़ जाता है. तो आप देखेंगे मॉडर्न माइकोलॉजी, अगर आपसे पूछता है मॉडर्न माइकोलॉजी का फादर कौन है, तो याद रखिएगा डी वेरी. बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है. मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का फादर कौन कहलाता है वर्ल्ड में? तो उसका नाम क्या है? डी वेरी. उनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया. अगला है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. ये सबसे ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में क्योंकि वी आर द इंडियन, तो इसको तो जरूर ही पूछ लेता है. तो आप देखेंगे जब इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात करता है तो वहाँ नाम आता है इज ए बटलर. बटलर का नाम आप याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इज ए बटलर.
बटलर का नाम आप याद रखेंगे, बटलर साहब ने सबसे पहले क्या किया, इंडियन माइकोलॉजी के बारे में बताया, ही इज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो आपको हो गया फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी का नाम आया तो डी वेरी का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक माइकोलॉजी का नाम अगर पूछ देता है तो आपको क्या बताना है, ईएम फ्रैस का नाम बताना है। सिस्टमेटिक, मॉडर्न, इसके बाद इंडियन माइकोलॉजी का नाम होता है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या 1729 की बात करता हूँ तो देखेंगे आप 1729 में एक वैज्ञानिक थे एंटोनियो माइकेली ने सबसे पहले, इटालियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फंगल स्पोर के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है सबसे पहले फंगल स्पोर को किसने ऑब्जर्व किया था, एंटोनियो माइकेली ने सबसे पहले फंगल स्पोर को ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कंडक्टेड मेनी स्पोर जर्मिनेशन इन 1729। 1729 में सबसे पहले फंगल स्पोर को जर्मिनेट कराया था, उस पर स्टडी किया था। जो वैज्ञानिक था उसका नाम कौन था, आपको याद रखना चाहिए, एंटोनियो माइकेली। ही पब्लिश्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेता है, फिर आपको नॉर्मल बुक में मिलता नहीं है, आप परेशान से हो जाते हैं। तो आप देखते जाइए, जनरल इंट्रोडक्शन बताऊँगा, फिर रिप्रोडक्शन बताऊँगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊँगा, न्यूट्रिशन बताऊँगा, फिर एक एक ग्रुप बताऊँगा, एस्कोमाइकोटिना, बेस्किडियोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना, और एक एक जनरा के बारे में बताऊंगा, तब जाके आप कॉन्फिडेंस साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन हो गया कि द बुक्स नोवा प्लांटेरम जनरा, इस बुक को किसने लिखा था, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। तो अभी आप लोग को, जो लोग भी तैयारी करते हैं टीजीटी नीट की, वो स्पेशल ध्यान रखें, नोवा प्लांटेरम जनरा जो बुक थी उसको सबसे पहले किसने लिखा था, एंटोनिया माइकेली ने सबसे पहले इसके बारे में इस बुक को लिखा था। और उन्होंने क्या किया था, ही गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द 1900 स्पीसीज, 1900 स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया था, 1900 स्पीसीज के बताया था, जिसमें से क्या था, 900 फंजाई थी। इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी नोवा प्लांटेरम जनरा बुक लिखी, उसमें 1900 स्पीसीज के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, जिसमें से 900 स्पीसीज क्या थी, फंजाई स्पीसीज थी। इसलिए आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली बार स्पोर जर्मिनेशन के बारे में किसने और कौन सी, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बुक को लिखा था, तो नोवा प्लांटेरम जनरा बुक लिखा था एंटोनियो माइकेली। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल करैक्टर ऑफ फंजाई। अभी तक जो मैंने बातें की है, मैंने आपको बताया कि किस ब्रांच के अंदर फंजाई को अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहता है। फादर ऑफ फंजाई मैंने बताया, फादर ऑफ फंजाई इन इंडिया बताया, डी वेरी का नाम बताया, वर्ल्ड में इंडिया बताया, बटलर साहब का नाम बताया, ठीक है, एंटोनियो का नाम बताया। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको मैंने ब्रांच बताया, डिस्कवरी बताया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फंजाई। अगर विटेकर का सिस्टम आपने पढ़ा होगा, फाइव किंगडम सिस्टम, तो आपने पाया होगा उन्होंने क्या किया था, फाइव किंगडम सिस्टम को डिवाइड किया था, एक कौन सा, प्रोटिस्टा, मोनरा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। तो उन्होंने किसका नाम लिया था, पांच का नाम लिया था। तो अभी हम बात करते हैं एक सेपरेट जनरा के अंदर नाम लिया था, अगर आप देखें विटेकर साहब ने जो बात बताई थी, इन्होंने बताया था पांच ग्रुप का नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो पांच ग्रुप का नाम बताया था। और उनमें आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो विटेकर साहब ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था पांच ग्रुप में बताया था, प्रोटिस्टा, मोनरा,
प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई। फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप में रखा, ये बहुत ही की यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या कारण है कि फंजाई को प्लांट में नहीं रखा, क्या कारण है फंजाई को एनिमल में नहीं रखा, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो फंजाई के कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं जो प्लांट और एनिमल से डिफरेंट होते हैं, जिनके कारण इनको एक सेपरेट ग्रुप में विटाकर साहब ने रखा। तो जैसे देखिए फंजाई, अब यहाँ पे बात को ध्यान रखना आपको है, फंजाई, तो फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जानते हैं जो सेल का नेचर होता है प्रोकैरियोटिक नेचर होता है या यूकैरियोटिक नेचर होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और साथ साथ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए मशरूम्स, ईस्ट, मोल्ड्स, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक। लिखा सम फंजाई आर द एडिबल्स, सम फंजाई आर द एडिबल्स, कुछ फंजाई एडिबल्स होते हैं और विद सम आर द पॉइजनस, जैसे एमांटिया। आपने देखा मशरूम, ये क्या है आपका, एडिबल फंगस है। वही एमांटा जो आपका है, एमानीटा जो आपका है, ये क्या है, पॉइजनस फंगस का है। तो फंगस की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बहुत ही यूनिक होती है, जैसे फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, हेट्रोट्रॉपिक, ये क्या होते हैं, दे हैव नो क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स वाई दे आर नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। आपको पता है प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो फंजाई का एक इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होता है, कुछ करेक्टर तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया फंजाई के कुछ करेक्टर्स तो हमेशा रटा होना चाहिए, फंजाई थैलवाड, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन, रिजर्व फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन। देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या करता है, फंजाई को डिफ्रेंशिएट करता है। फंजाई क्या होता है, थैलॉइड इन नेचर का होता है। थैलस का मतलब समझाता है, दैट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इन द रूट स्टेम एंड लीफ, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, नो डिफ्रेंशिएशन, नो डिफ्रेंशिएशन इन रूट स्टेम एंड लीफ। मतलब थैलस जो फंगस होता है, फंगस के अंदर क्या होता है, रूट स्टेम लीफ का विभाजन नहीं होता है। दे आर द थैलॉइड इन नेचर्स, दे आर द बेसिकली माइसिलियल फॉर्म एग्जिस्ट, हाइफा के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं अभी आता हूँ थैलस का नेचर क्या होता है। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। ये यूकैरियोटिक किस भाग हो सकता है, यूकैरियोट्स हो सकता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक दो फॉर्म में है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलर और मल्टीसेलर, तो फंगस क्या होता है, यूनिसेलर भी होता है मल्टीसेलर। जैसे यूनिसेलर में ईस्ट, ईस्ट किसका एग्जांपल है, यूनिसेलर्स का एग्जांपल है। मल्टीसेलर में सभी है, कोई भी फंगस का आप नाम ले लीजिए, एल्बिगो, बहुत सारे जितने भी फंगस होंगे मोस्ट आर द मल्टीसेलर्स होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलर के आते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे यूनिकोलर होता है। तीसरा पॉइंट आपके सामने आती है हेट्रोट्रॉफिक, लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल।
लैक ऑफ क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल का मतलब नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ये नहीं करता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, सैप्रोफिटिक किसी प्लांट में ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गन पे ग्रो करता रहता है और न्यूट्रिशन से क्या करता है एब्जॉर्ब करता रहता है। आप देखेंगे ये भी नेचर आपके साथ होता है। फिर अगली बात आती है, देखो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लाइकेन, प्लांट के अंदर आप देखोगे प्लांट के अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ होती है, सेल वॉल किससे होती है, सेलुलोज, सेलुलोज होती है प्लांट्स के अंदर, आप देखोगे सेलुलोज होती है। और फंजाई के अंदर क्या होती है, फंजाई के अंदर, फंजाई की जो सेल वॉल होती है याद रखिएगा काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, काइटीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है फंजाई की वॉल क्या होती है, काइटीन की बनी होती है। कुछ ऐसे करेक्टर दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और प्लांट के पास क्या होता है, सेलुलोज होता है। इस तरह से प्लांट के अंदर नहीं रखा गया प्लांट, चूंकि फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप में विटेकर साहब ने रखा, इसको प्लांटी के अंदर नहीं रखा, एनिमेलिया के रखा, एनिमेलिया के अंदर इसलिए नहीं रखा कि एनिमल के पास क्या होती है, सेल वॉल का अभाव होता है, दे लैक द सेल वॉल। प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन फंजाई के पास क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी, और सेल वॉल प्रेजेंट थी तो उसको प्लांट में रखना चाहिए था, लेकिन प्लांट में क्यों नहीं रखा, प्लांट का दूसरा नेचर क्या होता है, दे आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है प्लांट है, लेकिन फंजाई क्या था, हेटरोट्रॉफिक था। एक करैक्टर तो ये रखता था, एक करैक्टर तो ये रखता था क्या, सेल वॉल, लेकिन दूसरा करैक्टर क्या नहीं रखता था, दूसरा करैक्टर क्या नहीं रखता था, इसके पास लैक ऑफ क्लोरोफिल था, नॉन क्लोरोफिलस था, इसका मतलब हेटरोट्रॉफिक हो गया। तो आप देखेंगे कि और दूसरी जो इसकी सेल वॉल थी, प्लांट की सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, सेलुलोज, लेकिन फंजाई की वॉल में क्या होता है, काइटिन होता है। तो इस तरह से देखोगे आप प्लांट और एनिमल से दोनों से इसका करैक्टर डिफरेंट होता है। इसी वजह से विटेकर साहब ने फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप में रखा, अपने फाइव किंगडम सिस्टम में एक अलग ही स्थान दिया। तो आपको विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम याद होगा, जिसमें पहला क्या था, प्रोटिस्टा, दूसरा मोनरा, तीसरा क्या था, प्लांटी, चौथा एनिमेलिया, पांचवा क्या था, फंजाई। इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया। नेक्स्ट आपका है रिजर्व फूड मटेरियल। तो आपको पता है प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, लेकिन फंजाई के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन्स होता है, ग्लाइकोजन्स के रूप में फूड मटेरियल स्टोर होता रहता है। इस तरह से आप देखोगे, देखो अब मैं बात करता हूं फंजाई के कुछ और भी करेक्टर्स। अभी तक फंजाई के जो रिपोर्ट्स की गई है, तीन से चार मिलियन स्पीसीज रिपोर्ट की गई है, जिसमें से 150,000 हैव बीन क्लासिफाइड एंड स्टडीज। 3 से 4 मिलियन फंजाई फंगस स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से 150,000 क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, उसका अध्ययन भी किया जा चुका है। और दूसरी बात करते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई, दैट इज द माइकोलॉजी। देखो इंट्रोडक्शंस के कुछ और भी करेक्टर्स हैं, जैसे देखिए अभी मैंने बताया ना कुछ और भी करेक्टर्स हैं, दे आर द यूकैरियोटिक, यूनिसेलर आर द मल्टीसेलर्स, मल्टीसेलर्स। और भोजन कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं, बाय डिकम्पोजिंग एंड ऑब्जॉर्विंग द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन विच दे ग्रो, जिस पे ये ग्रो करते हैं उसको डिकम्पोज करके उससे क्या करते हैं, फूड मटेरियल प्राप्त करते रहते हैं। और इन्होंने क्या किया, देखिए फंजाई आर द हेटरोट्रॉपिक्स बियरिंग यूकेरियोट्स क्लासिफाइड एज सेपरेट किंगडम, एक अलग से किंगडम क्या किया फंजाई विटेकर साहब ने दिया था। और आप इसको देखेंगे, अब बात आती है कि फंगस के अंदर
उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, फंजाई का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। जब हमने आपको बताया कि फंगस क्या होता है, फंजाई क्या होता है, थैलोइड होता है, थैलस होता है, क्या होता है, थैलोइड इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है, थैलोइड इन नेचर होता है फंगस। इसका मतलब थैलस क्या होता है, नो डिफरेंशिएशन इन रूट स्टेम लीफ। यहाँ रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके टीजीटी पीजीटी नीट की जो लोग तैयारी करते हैं, फंगस का नेचर क्या होता है, ये प्लांट बॉडी में डिवाइड होता है कि नहीं, रूट स्टेम में डिवीजन होता है कि नहीं होता है। तो आपको एक बात रखना है, दैट इज द थैलस, दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इन द रूट स्टेम लीफ। इसके बाद रूट स्टेम लीफ लाइक कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं फंगस की थैलस की। थैलस का दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है फिलामेंटस। फिलामेंटस होता है, जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है जैसे ईस्ट। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। जो दूसरा फंजाई होता है जिसे कहते हैं मल्टीसेलुलर, वो कैसा होता है, फिलामेंटस। फिलामेंट की लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंट किस तरह होता है, फिलामेंटस कंसिस्ट ऑफ किससे होता है, हाइफी से होता है। अभी आपको दिखाते हैं। और ये फिलामेंट कैसा होता है, एसेप्टेट और सेप्टेट भाग में बटा होता है। तो देखो आप लोग को लिखा गया है, द प्लांट बॉडी ऑफ द टू फंजाई इज द थैलस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थैलोइड इन नेचर का होता है। दूसरा क्या कहला है, इट मे बी नॉन माइसीलियल और माइसीलियल फॉर्म। ये माइसीलियल फॉर्म हो सकता है और नॉन माइसीलियल फॉर्म हो सकता है। देखो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले आपको जान लेना है, सबसे पहले बात आती है थैलस में कि द प्लांट बॉडी इज मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी कैसे होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड द हाइफी। मतलब देखिए जहां पे आपको पता है कि फंजाई की जो बॉडी क्या होती है, थैलोइड नेचर की होती है, जहाँ रूट स्टेम लीफ नहीं होता है थैलस होता है। थैलस किससे बना होता है, मैंने आपको बताया फिलामेंटस हाइफा लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द हाइफा। हाइफा इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है हाइफा, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हाइफा। जब कई हाइफा मिल जाते हैं, इंटरवेन कर जाते हैं, तो उसे कहते हैं माइसीलियम। देखिए कई, दूसरा क्या हो गया, माइसीलियम हो गया, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए, द सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द हाइफा, व्हेन मेनी हाइफा यूनाइट टू फॉर्म द माइसीलियम। जब कई हाइफा मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, माइसीलियम। देखिए लिखा ना हाइफी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द हाइफी, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हाइफा। हाइफी आर द वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन ग्रो एंड फॉर्म ए माइसीलियम नेटवर्क। जब कई हाइफा मिल जाते हैं, एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, उसे कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। तो माइसीलियम और हाइफा का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका क्या है, यहाँ पे भी देखिए आपका ये क्या है, माइसीलियम लगा हुआ है। ये माइसीलियम है, ये मशरूम क्यों दिख रहे हैं, थैलोइड बॉडी होती है। यहाँ पे देखो सेलवाल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। सेलवाल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द टीजीटी पीजीटी और नीट के एग्जाम के लिए। और इसको मैंने क्या कहा, ग्लूकोन। ग्लूकोन क्या बताया था, ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल से लिंक हुआ है। अभी आप देखोगे फिलामेंटस एसेप्टेस और सेप्टेस की बात कर दिया। अभी आप करेंगे माइसीलियम वॉल। अब थोड़ी यहां पे देखिए, आपको ये बात समझ में हो गई होगी कि हाइफी क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब कई हाइफी मिल जाती है तो माइसीलियम का निर्माण होता है। अब माइसीलियम क्या हो सकता है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, माइसीलियम क्या हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है और एसेप्टेट हो सकता है। माइसीलियम कैसा हो सकता है, सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकता है। माइसीलियम कैसा हो सकता है, देखिए सेप्टेट और एसेप्टेट। देखिए यहाँ माइसीलियम क्या है, सेप्टेट हाइफा है। जहाँ पे देखिए एक सेप्टा बना हुआ है, यहाँ सेप्टा बना हुआ है, यहाँ सेप्टा हुआ बना, यहाँ पे सेप्टा बना हुआ है। अगर आप देखिए जो सेप्टेट माइसीलियम है, और दूसरा क्या है,
यहाँ पे कोई सेप्टेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस देखिए फ्री है, एसेप्टेट है, यानी एसेप्टेट जो आपका है, एसेप्टेट जो आपका है माइसिलियम है, उसे कहा जाता है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोसिटिक कंडीशन, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन जो नोन एज द सिनोसिटिक कंडीशन, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हो, पेपर सॉल्व करिएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला ना, हेट्रोट्रॉपिक काइटिन रिजर्व फूड मटेरियल, हु इज द फादर ऑफ फंजाई, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फंजाई माइकोलॉजी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर अगला क्या एग्जाम क्वेश्चन हो गया आपका, सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक माइसिलियम क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा एसेप्टेट या सेप्टा नहीं है, और न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी न्यूक्लियट होता है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइसिलियम में भी सेप्टेट, माइसिलियम में भी एसेप्टेट होता है। सिनोसिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन होता है। इन द लोअर फंजाई द माइसिलियम आर नॉन सेप्टेट, दैट इज द फाइकोमाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोअर फंजाई में क्या होता है, जो माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, सिनोसिटिक नेचर का होता है या एसेप्टेट होता है। एग्जाम्पल कौन है, फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आप स्टडी करेंगे तो सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है। अब आपको ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सिनोसिटिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है, एस्कोमाइकोटीना, ड्यूट्रोमाइकोसिटीना, बेसिडियोमाइकोटीना, और आपके साथ क्या दिया है, फाइकोमाइसिटीना। तो आपको देखना है इन हायर फॉर्म इट्स सेप्टेट, इसका मतलब जैसे जैसे एडवांस फंजाई की बात करेंगे, एस्कोमाइकोटीना बेसिडियोमाइकोटीना, वहाँ ब्रांच फिलामेंट ब्रांच माइसिलियम पाया जाता है। तो याद रखना, जैसे जैसे फंजस का डेवलपमेंट होगा, एस्कोमाइकोटीना बेसिडियोमाइकोटीना ड्यूट्रोमाइकोटीना, जहाँ फंगस कैसा होगा, ब्रांच होगा, सेप्टेट होगा। इन सम फॉर्म प्लांट बॉडी इज द डाइमॉर्फिक, कहीं कहीं क्या होता है, डाइमॉर्फिक नेचर के भी होते रहते हैं। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गई होगी। देखो, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, देखो हाइफा क्या है, सेलवाल क्या होता है, सेलवाल में कौन सा कंपोनेंट होता है। आप देखो ना, तो 20 से 25 क्वेश्चन ढंग से अगर आप याद कर लोगे ना, टीजीटी पीजीटी फंजाई के जनरल करेक्टर से, तो हमेशा आ जाता है। उन्हीं पॉइंट को मैं फोकस कर रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे, अब आपके सामने आ गया कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि माइसिलिया, कभी कभी माइसिलिया स्पेसिफिक करैक्टर्स का हो जाता है, जैसे दिया है, देखो प्लैंकटन काइमा, माइसिलियम आर इनटू लूजली या कॉम्पैक्टली ओवन स्ट्रक्चर्स। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी माइसिलियम क्या करता है, कॉम्पैक्ट, अपने कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर लेता है। तो माइसिलिया किस तरह अरेंज करता है, उसके आधार पर माइसिलियम को डिवाइड किया गया है। माइसिलियम कैसे डिवाइड किया गया है, टू फॉर्म किया गया है। किस तरह का ये स्ट्रक्चर माइसिलियम बनाता है, उसके आधार पर बताया गया है, प्रोजेनकाइमा, दूसरा होता है स्यूडोपैरेनकाइमा। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, किसके आधार पर, माइसिलियम के स्ट्रक्चर के आधार पे, माइसिलियम कैसे अपना इंटरवेन करके स्ट्रक्चर्स बनाता रहता है। एक होता है प्रोजेनकाइमा, लूजली ओवन हाइफी लाइंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कह रहा है ये हाइफा कुछ ऐसा रहता है, इसे कहते हैं फ्रोजन काइमा, फ्रोजन काइमा माइसिलियम, ऐसा माइसिलियम जो क्या होता है, देखिए लिखा गया है लूजली ओवन हाइफी लाइंग ऑलमोस्ट पैरेलल, देखिए ये क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है,
पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो ये माइसेलियम क्या हो सकता है, दो तरह की हो सकती हैं, दो तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हैं। एक आप कह सकते हैं प्रोजन काइमा लाइक स्ट्रक्चर्स, और दूसरा क्या फॉर्म करती हैं, स्यूडो पैरेन्काइमा। इफ द हाइफी आर क्लोजली इंटरवोवन लुकिंग लाइक ए पैरेन्काइमा इन द क्रॉस सेक्शन। जैसे पैरेन्काइमा एनाटॉमी हम सेक्शन काटते हैं तो पैरेन्काइमा सेक्शन देखते हैं, पैरेन्काइमा सेल की तरह देखते हैं, वैसा अगर स्ट्रक्चर बना लेता है माइसीलियम तो उसे कहेंगे स्यूडो पैरेन्काइमा। स्यूडो पैरेन्काइमा कैसी स्ट्रक्चर, स्यूडो पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर्स। जैसे आपको देखो कैसा दिखा रही है, हाइफी क्लोजली इंटरवोवन लाइक पैरेन्काइमा सेल, ये कैसा बना लेती है, पैरेन्काइमा सेल की जैसी बना लेती हैं, पैरेन्काइमा सेल की तरह बना लेते हैं। जब ये पैरेन्काइमा जैसी सेल बना लेता है और हाईली इंटरवोविंग हो जाता है, साथ साथ क्या करता है, लुकिंग लाइक द पैरेन्काइमा। क्रॉस सेक्शन काटेंगे एनाटॉमी में तो पैरेन्काइमा सेल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर उस तरह का फंगस स्ट्रक्चर बना लेता है, उसका माइसीलियम बना लेता है, उसे कहेंगे स्यूडो पैरेन्काइमा। तो याद रखिएगा इस तरह का स्पेशलाइज वो स्ट्रक्चर भी बनाता रहता है। देखो कभी कभी क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी बना लेता है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी बना लेता है। जैसे आप देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, देखिए देखो कभी कभी क्या होता है कि फंगस क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी बना लेता है। जैसे जो फंगस का जो माइसीलियम है, जो माइसीलियम है वो क्या करता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड माइसीलियम स्ट्रक्चर बनाता है। माइसीलियम क्या करता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आप देखेंगे जैसे स्लाइड स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे मैंने कहा राइजोमॉर्फ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है राइजोमॉर्फ। कह रहा है इट इज रूट लाइक इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्लोजली पैक्ड एंड इंटरवोवन हाइफा। कभी कभी हाइफा क्या करता है, एकदम जैसे कहते हैं ना रूट की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, हाइफा क्या करता है एकदम क्लोजली पैक हो जाता है और रूट की तरह लंबा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे कहते हैं राइजोमॉर्फ कहते हैं। राइजोमॉर्फ कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा बना लेता है स्ट्रक्चर, देखोगे आप इस तरह से, रूट लाइक ब्लैक हाइफा, रूट लाइक इंटरवोवन हाइफा, हाइफा एकदम इलोंगेट कर जाता है और हाईली क्या होता है इंटरवोवन हो जाता है, और देख लिखा है क्लोजली पैक हो जाता है हाइफा, इतना में थ्रेड लाइक माइसीलियम हाइफा के होते हैं ना इंटरवोवन कर जाते हैं, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे कहते हैं राइजोमॉर्फ। कभी कभी क्या करता है स्क्लोरिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्लोरोसिया, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लोरोसिया। एक्सटर्नल हाइफी हैव बिकमिंग थिकेंड टू सेव द इनरवर्स। कभी कभी क्या करता है माइसीलियम स्क्लोरोसिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। स्क्लोरोसिया लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, देखो आप स्क्लोरोसिया लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, ये कैसा बनाएगा, ऐसा सेल बनाता है, ये सेल लिखा एक्सटर्नल हाइफी बिकम थिकन, एक्सटर्नल हाई क्या होती है थिकन हो जाती है, ये एक्सटर्नल हाइफी हो जाता है, एक्सटर्नल हाइफी, एक्सटर्नल हाइफी क्या होती है थिक हो जाती है, ये थिक हो जाती है एक्सटर्नल हाइफी, देखिए लिखा गया है, और थिकन होता है टू सेव द इनरवर्स, इसको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट इनर, इनर हाइफी, प्रोटेक्ट इनर हाइफी। आउटर जो होता है माइसीलियम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, स्क्लोरोसिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें बाहरी जो होती है माइसीलियम होती है, जो हाइफी होती है वो बहुत थिक हो जाती हैं, डार्क हो जाती हैं, और अंदर वालों क्या करती हैं प्रोटेक्ट करती रहती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे स्क्लोरोसिया। कभी कभी इन टर्मों को भी आपके फंजाई में वो पूछ लेता है, राइजोमॉर्फ इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये किसका मॉडिफिकेशन है, कभी आपसे पूछ लेगा राइजोमॉर्फ किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बताओगे किसका, माइसीलियम का, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है,
माइसिलियम का, कभी कभी ये स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है? इट इज अ थिक मैटर मैट्रेस ऑफ द कॉम्पैक्ट हाइफी एसोसिएटेड विद द फ्रूटिंग बॉडी। कभी कभी आप एगेरिकस की लाइफ साइकिल को अगर आप पढ़े, एगेरिकस की लाइफ साइकिल को पढ़े, तो वहाँ फ्रूटिंग बॉडी के साथ में क्या जुड़ा होता है? स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ क्या करता है हाइफी, क्या करता है इंटरवोवन, बहुत थिक और कॉम्पैक्ट रहता है और फ्रूटिंग बॉडी के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो आगे मैं चर्चा करूँगा जब पढ़ाऊंगा एगेरिकस की लाइफ साइकिल। बस अभी याद रखिएगा एगेरिकस, एगेरिकस लाइफ साइकिल। तो आपने इस तरह से पढ़ा क्या कि स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड मतलब थैलस का स्पेशलाइज्ड फॉर्म क्या होता है? माइसिलियम कुछ इस पर्टिकुलर शेप ले लेता है, उन शेपों का नाम आपको याद रखना, राइजोमॉर्फ, स्क्लोसिया, स्ट्रोमा, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये टर्म आपके एग्जाम में, नीट में, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में आ जाता है। राइजोमॉर्फ इज ए रूट लाइक स्ट्रक्चर, टिक करना होता है। आपको याद रखना है स्क्लेरोसिया क्या होता है, उसको लाइन यही याद कर लीजिएगा कि बाहरी वाली क्या होती है, हाईली थिक हो जाती है, अंदर वाले को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती रहती है। इस तरह से देखेंगे, अब हम बात करते हैं जनरल करेक्टर में सेल कंपोजिशंस की बात करते हैं, सेल कंपोजिशंस की बात करते हैं। जब सेल कंपोजिशंस की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, द वॉल ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द वॉल ऑफ फंजाई, द वॉल ऑफ फंजाई, द सेल ऑफ द फंजाई इज मेनली मेड ऑफ द काइटिन एंड द सेलुलोज, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, काइटिन। तो काइटिन का नाम याद कर लीजिए, काइटिन का नाम यहाँ पे याद कर लीजिए, काइटिन इसका मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसको याद कर ले, काइटिन मेन कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा सेलुलोज और कॉम्बिनेशंस क्या होता है, सेलवाल किसका कॉम्बिनेशंस क्या होता है, इस पॉइंट को आपको रिमेम्बर करना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी फंजाई की स्टडी करते रहे इसको जरूर देखें, सेलुलोज और ग्लूकागन, सेलवाल कहाँ होती है, ओमाइसिटीज के अंदर होती है। काइटिन और काइटोसन की सेलवाल कहाँ आ जाती है, जाइगोमाइकोटीना के अंदर होती है। मैनोज और ग्लूकान की जो वाल में सेलवाल में पाई जाती है वो कहाँ पाती है, एस्कोमाइकोटीना होती है। काइटिन और मैनन की सेलवाल कहाँ पाती है, बेसिडियोमाइकोटीना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है और आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, मैचिंग का क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कहीं सेलुलोज के साथ ग्लूकान है, काइटिन के साथ काइटोसन है, मैनन के साथ ग्लूकान है, काइटिन के साथ मैनन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर लिखा गया मेन, देखो अब दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट होती है मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल इज द ग्लाइकोजन। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च के रूप में रखता है। फूड किस रूप में स्टोर करता है, फोटोसिंथेटिक फूड स्टार्च के रूप में रखता है। लेकिन फंजाई किस रूप में रखता है, याद रखिएगा ग्लाइकोजन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फंजाई हेल्प इन द रिसाइकल द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई का क्या मेन है, आपको काइटिन याद रखना है और अलग अलग ग्रुप में क्या कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, साथ साथ ये ध्यान रखना है कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक ना, याद रखिएगा। चलो आगे इन्हीं बातों को लिखा हुआ है, फंजाई लैक द, देखो लिखा गया फंजाई लैक द टू ऑर्गन्स, देखो लिखा ना लैक द टू ऑर्गन्स, कुछ पॉइंट्स पढ़ दे रहा हूँ, फंजाई लैक द टू ऑर्गन्स, बट द माइसिलियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज मे बिकम द ऑर्गेनाइज इनटू वन और मोर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। मैंने कहा ना, देखो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर बहुत स्पेशलाइज्ड नहीं बनती है, यहाँ जो बनती है ना सेक्स ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी के रूप में बनती है, क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरो
कार के रूप में रहती है, जैसे सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनते हैं। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि बेसिडियो स्पोर के बारे में चर्चा करेंगे, इसको स्पोर के बारे में चर्चा करेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन्स होता है, ये ध्यान रखना आपको है। फंजाई में कॉज द डिजीज, बहुत सारी डिजीज काम कर सकती है। रस्ट डिजीज पढ़ा होगा ना, सब डिजीज इतनी पाती है, तो फंगल डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एनिमल्स के अंदर कौन सी डिजीज मिलनी होती है? रिंग वर्म डिजीज। रिंग वर्म डिजीज क्या है? फंगल डिजीज तो एनिमल में पाई जाती है, रस्ट डिजीज प्लांट के अंदर पाई जाती है। तो डिजीज का एक अलग से ही टेबल मैं आपको बताऊंगा। चलो अब हम बात करते हैं अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। देखिए, फंजाई आर द ए क्लोरोफिलस या नॉन क्लोरोफिलस। फंजाई क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। That is, they cannot synthesize their own food. वो क्या होता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। They are the non-chlorophyllous. They lack the chlorophylls. और दिखाना क्या है? They live as the heterotrophs, as are parasites and saprophytes. वो कैसे रह सकते हैं? Heterotrophic nature के होते हैं। वो कैसे live कर सर्वाइव कर सकते हैं? या तो सेप्रोफाइट के रूप में या तो पैरासाइट के रूप में होता है। सेप्रोफाइट का मतलब दैट ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गन्स, डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स। और पैरासाइट का मतलब दे आर पैरासाइट, दे आर डिपेंड ऑन द अनदर प्लांट होस्ट, दैट इज द पैरासाइट। पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं या सेप्रोफाइट होता है। सम फॉर्म लाइक सिम्बियंट्स, कुछ सिम्बियाटिक रूप से भी रह सकते हैं। मतलब कि फंजाई क्या है? तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो पैरासाइट के रूप में किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या होता है, सरवाइव करता है, लेकिन कभी भी वो होस्ट को मारता नहीं। ध्यान रखिएगा, पैरासाइट क्या करता है? कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है, उस तो होस्ट पे डिपेंड रहता है। दूसरा क्या होता है? सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? दैट ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स। तीसरा क्या होता है? सिम्बियाटिक, यानी दूसरे के साथ में क्या होता है? रिलेशंस बना के रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा माइकोराइजा, यहाँ आपने क्या पढ़ा होगा? माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? सिम्बियाटिक एसोसिएशन, सिम्बियाटिक एसोसिएशन को शोन करता रहता है। पैरासाइट में क्या हो सकता है आपको? एल्विगो, एल्विगो कैनिडा, पक्सिनिया, ये क्या है? पैरासाइट्स होता है। और सैप्रोफाइट्स में कौन हो सकता है? सैप्रोफाइट्स में जैसे मैंने कहा फ्यूजेरियम, बहुत सारे फंगस हैं जो मैं अलग अलग लिस्ट बताऊंगा, कौन क्या होता है, ऑब्लिगेट नेचर का होता है, कौन फैकल्टेटिव नेचर का होता है। सैप्रोफिटिक फंजाई का नाम बताओ, पैरासिटिक फंजाई का नाम बताओ, सिम्बियाटिक फंजाई का नाम बताओ। जहाँ पे आप पढ़ते हैं माइकोराइजा, एल्विगो, पक्सिनिया, हेट और पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स में फ्यूजेरियम और भी बहुत सारे पाए जाते रहते हैं। अभी आप देखोगे इस तरह से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पहले आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखो, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ए लिविंग होस्ट। जो अपने लिविंग होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट पता है ना, एक होता है पैरासाइट और दूसरा क्या होता है? होस्ट होता है। आपको पता है होस्ट और पैरासाइट। पैरासाइट होस्ट से फूड किसकी सहायता लेता है? हास्टोरिया की सहायता से लेता है। और आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, एक होता है प्रीडेशन, एक होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन जहां तक समझिएगा, पैरासिटिज्म का मतलब होता है जहां पैरासाइट अपने होस्ट को कभी नहीं मारता है। प्रेडेशंस में क्या होता है? प्रेडेशंस में क्या होता है? प्रीडेटर ज्यादातर क्या करता है? अपने होस्ट को क्या करता है? प्रे को मार देता है। किलिंग इज द मोस्ट कॉमन इन द किलिंग इज द मोस्ट कॉमन इन द प्रेडेशन, व्हाइल द क्लीनिंग इज नेवर हैपनिंग इन द पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्यादातर कहा जाता है कि पैरासाइट क्या होता है? होस्ट से छोटा होता है।
लेकिन प्रीडेटर क्या होता है, प्रे से बड़ा होता है। तो ये कभी भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि होस्ट क्या होता है, पैरासाइट छोटा होता है, होस्ट बड़ा होता है, प्रे और प्रीडेटर बड़ा होता है, प्रे छोटा होता है। प्रीडेशंस में किलिंग कंपलसरी है, प्रीडेटर हमेशा प्रे को अपने मार देता है, और यहाँ पे पैरासाइट में पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारता है क्योंकि उसको उसके ऊपर सर्वाइव रहना होता है। अब बात आती है पैरासाइट में भी ऑब्लिगेट और द फैकल्टेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट क्या सकता है, ऑब्लिगेट हो सकता है या फैकल्टेटिव। देखो भाई, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस, मतलब जिसके पास कोई विकल्प ना हो, दैट इज द ऑब्लिगेट। मैंने कहा ऑब्लिगेट फंजाई का नाम बोल रहा हूँ, जैसे एल्बिगो कैंडिडा पढ़ा ना, मस्टर्ड प्लांट पे अटैक करता है, तो आप देखो रस्ट पक्सिनिया ग्रैमिस रस्ट काज करता है व्हीट प्लांट और बारबेरी लीफ पे करता है। तो जहाँ पे There is no alternative choice. अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो पैरासाइट सर्वाइव नहीं करेगा, उसका होस्ट नहीं मिला तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। यानी एक पैरासाइट ये सोचिए कि सैप्रोफिटिकली रह जाए, अगर उसका होस्ट ना मिले तो डेड डिकेइंग पार्ट पे जिंदा रह जाए, तो ऐसा नहीं है, उसको होस्ट उसका मिलना जरूरी है। तो पैरासाइट क्या होता है, इसका मतलब ऑब्लिगेट का मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस, वो अगर पैरासाइट है तो उसको होस्ट चाहिए ही चाहिए सर्वाइव होने के लिए। और फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या होता है, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब कि अगर उसका होस्ट है देखिए, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट लिखा हुआ है, मतलब कि वो क्या है, पैरासाइट तो रहेगा, अगर होस्ट नहीं मिला, ऑब्लिगेट नेचर का था, लेकिन अगर होस्ट नहीं मिला तो क्या है, सैप्रोफिटिकली भी ग्रो कर सकता है। देयर इज अल्टरनेटिव चॉइस, जिसके पास चॉइस हो वो फैकल्टेटिव नेचर का है, जहाँ पे चॉइस ना हो, एक ही होस्ट पे जिंदा रहना है, वो क्या है, ऑब्लिगेट। अब बस ध्यान रखना क्या है, ऑब्लिगेट के पीछे क्या लगा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट लगा है, इसका मतलब वो होस्ट पे ही जिंदा रहेगा, अगर होस्ट को हटा देंगे तो मर जाएगा फंजाई, तो ये कहलाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट इसका मतलब कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट थ्राइव ऑन अ लिविंग होस्ट, द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर इनफैक्ट सैप्रोफाइट्स विच हैव सेकेंडरली बिकम द पैरासाइट्स। देखो कह रहा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, कह रहा है कि दे आर इनफैक्ट सैप्रोफाइट, जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं वो बेसिकली डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको मौका मिल गया, कोई डेड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करके सर्वाइव कर रहा था, अगर उसको होस्ट मिल गया, लिविंग होस्ट मिल गया, तुरंत वो पैरासाइट हो जाएगा। यानी क्या हुआ, विकल्प बदल लिया, जब विकल्प नहीं था, होस्ट नहीं था, तो सैप्रोफिटिकली ग्रो करता था, लेकिन जैसे उसको लिविंग होस्ट मिला वैसे उसके ऊपर सर्वाइव कर गया, तो इसे कहेंगे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स। देखो फिर आता है सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स देखो आप लोग, सैप्रोफाइट्स की हम बात कर रहे थे तो आप यहाँ पे देखोगे सैप्रोफाइट्स की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे सैप्रोफाइट्स में कहने का मतलब क्या है, देखो सैप्रोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया सैप्रोफाइट्स का मतलब दैट आर ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स में ग्रो करता है सैप्रोफाइट्स। अब सैप्रोफाइट भी दो तरह का हो सकता है, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। अगर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा फंगस जो केवल सैप्रोफिटिकली ग्रो करता हो, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गन पे ग्रो करता है, पार्ट पे ग्रो करता हो, उसे कहेंगे सैप्रोफाइट फंगस। लेकिन अगर वो ऑब्लिगेट नेचर का हो जाए, अगर वो फैकल्टेटिव नेचर का हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सैप्रोफिटिकली ग्रो करता था लेकिन क्या हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, देयर इज अ नो अल्टरनेटिव चॉइस, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, देयर इज अ अल्टरनेटिव चॉइस। अब उसके पीछे क्या लगा है ये ध्यान रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब पैरासाइट है, वो लिविंग होस्ट पर रहता है,
ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत रहता है। अभी हम बात करते हैं सिम्बियाटिक्स। देखो सिम्बियाटिक की जब हम बात करते हैं, सिम्बियाटिक की हम बात करते हैं तो हम देखते क्या है, सिम्बियांट्स की बात करते हैं। सिम्बियांट्स का मतलब क्या होता है? सिम्बियोसिस इज द फिनोमेना इन विच बोथ कंपोनेंट आर इक्वली बेनिफिशियल टू ईच अदर। जहां पे दो कंपोनेंट इक्वली बेनिफिशियल टू ईच अदर होते हैं, उनका कहते हैं सिम्बियोसिस। तो फंजाई क्या होता है? सिम्बियांट के रूप में भी रह सकता है, पैरासाइट के रूप में रह सकता है, साइप्रोफाइट के रूप में रह सकता है और सिम्बियांट के रूप में रहता है। तो जैसे सिम्बियाटिक होता है, सम फंगस, देखो लिखा ना, सम फंगस ग्रो इन द सिम्बियाटिक इन एसोसिएशन विद द ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने सुना होगा लाइकेन, लाइकेन देखो ये लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है? दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एल्गी, दूसरा क्या होता है? फंजाई। तो एल्गी और फंजाई जहां दोनों मिल जाते हैं वहां पे कौन बनता है? सिम्बियाटिक एसोसिएशन। तो एल्गी वहां पे क्या करता है? फोटोसिंथेटिक नेचर होता है, वो फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। फंजाई क्या करता है? बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि उसके बाद माइसिलियम हाइफा होता है तो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। और एक क्या करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, एक भोजन देता है। तो दोनों कंपोनेंट क्या है? इक्वली बेनिफिशियल टू ईच अदर है। इस तरह से लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बियांट फंगस। और सिम्बियाटिक फंगस के रूप में कौन कौन आ सकते हैं? यही जो एस्कोमाइकोटीना, वेस्डियोमाइकोटीना। अब देखो द एल्गल कंपोनेंट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये क्या करता है? लाइकेन में भोजन प्रोवाइड कर देता है। वही फंगल क्या है? रिप्रोडक्टिव इन नेचर, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता रहता है, इससे लाइकेन का सर्वाइवल होता रहता है। देखिए यहां पे लिखा है फंगल फॉर्म ग्रो इन द एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। इसका मतलब एक टर्म और याद रखना, माइकोराइजा। माइकोराइजा आपके एग्जाम में बहुत आता है, टीजीटी पीजीटी नीट में अगर देखो तो माइकोराइजा क्या है तो आपके सामने क्या होता है? माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, जहाँ इक्वली बेनिफिशियल होते हैं। तो माइकोराइजा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। माइकोराइजा बेसिकली दो तरह का होता है, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा और इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, एक्टोट्रॉपिक और इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आज देखो ये क्या है, कुछ फंगल डिजीज के बारे में बताया गया है। फंगल डिजीज के बारे में बात किया है, इसकी मैं चर्चा अगले लेक्चर पे करूंगा। अगले लेक्चर पे बात करूंगा कि कौन कौन से फंगल डिजीज होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है लीव ब्लाइट्स, फ्यूजेरियम विल्ट, सीड ब्लाइट, विल्ट, डंपिंग ऑफ हेड रॉट, अर्ली ब्लाइट, प्रिंस एप्पल डिजीज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन डिजीजों के बारे में एग्जाम में पूछता रहता है। तो अगला लेक्चर जो मेरा होगा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। होपफुली आपको फंजाई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। आज आप इस सेक्शन से कई सारे चीज समझ सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ फंजाई किसने किया, वर्ल्ड में फंजाई माइकोलॉजिस्ट कौन था, इंडिया फादर ऑफ माइकोलॉजिस्ट कौन है, बटलर साहब के बारे में, डीवेरी के साहब बारे मैंने बताया, साथ साथ किस ब्रांच के अंदर अध्ययन किया जाता है, फिर मैंने बताया न्यूट्रिशंस किस तरह से होता है, पैरासिटिक नेचर कैसा होता है, सैप्रोफिटिक नेचर क्या होता है। तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर्स होगा फंजाई में, बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ टीजीटी पीजीटी नीट और बेसिक जो सीएसआईआर लाइफ साइंस में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते रहते हैं, तो इस लेक्चर से उनको बेनिफिट होगा। होपफुली अगला जो मेरा लेक्चर होगा रिप्रोडक्शन इन फंजाई।